एवरीवन, मैं हूं चौधरी शमशाद, फार्मासिस्ट, और आप देख रहे हैं मोरल मेडिसिन कैम्प। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्स टैबलेट में किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, किन किन जड़ी बूटियों से मिलकर ये बनता है, और हम डायरेक्स को कैसे ले सकते हैं। डायरेक्स टैबलेट की बात की जाए तो आपको किसी भी मेडिकल पर बआसानी 70 रुपये का मिल सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आयुर्वेदिक है। इसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स का, जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। मेरे चैनल पर आप नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो जी, जो डायरेक्स टैबलेट होती है इसमें 30 टैबलेट होता है। हम बात करते हैं ये किन किन जड़ी बूटियों से मिलकर बनती है। नंबर 1 कुजाता, नंबर 2 गुडुची, नंबर 3 बिल्वा पाउडर, एंड नंबर 4 ददीमा। ये सब पाउडर होते हैं, और कुछ कुछ प्लांट के और जड़ी बूटियों को एक्सट्रैक्ट होते हैं पाउडर होते हैं जो अगर बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, किस बीमारी में, किस डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये इस्तेमाल होता है डायरेक्स में, मतलब इसके नाम पे बेस्ड होता है डायरिया। डायरिया मतलब दस्त। इस सारी बीमारी में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर लूज मोशन होता है, दस्त होता है, काफ़ी परेशान है, तो इस डायरेक्स टेबलेट को वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल कर सकता है, यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन से मिलकर बना होता है, जिसमें सिर्फ आयुर्वेदिक फार्मुलेशन का यूज़ किया जाता है। किसको कैसे लेना है, अगर बच्चे हैं तो उनको 1.5 टेबलेट या तो 1 टेबलेट दिन में 2 बार, अगर बड़े हैं 1 से 2 टेबलेट दिन में 2 बार ले जा सकता है, या तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसे बच्चों से दूर रखें, क्योंकि डेंजरस हो सकता है, और डायरेक्ट सनलाइट से डायरेक्ट है तो इसको दूर रखना है, और इस जमाना नहीं है। तो अजीज़ों, ये जो टैबलेट है डायरेक्स टैबलेट, ये सिर्फ डायरिया में यूज़ नहीं होता है, दबल के बहुत सारे कामों में यूज़ होता है। जैसे कि मैं रखता हूँ आपके सामने, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, कभी कभार हमारी हाथों में खून आता है, 5 हाई फीवर, किसी को बुखार है, किसी का पेट ख़राब है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम है, हड्डियाँ दुखती है, दर्द होती है, जोड़ों में तकलीफ रहता है, उसमें भी ये इसका इस्तेमाल कर सकता है, कोई इतना परेशानी की बात नहीं होती। अब बात करते हैं जी, जो इस मेडिसिन ये काम कैसे करती है। कुजाता जो इसमें होता है वो एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है, तो उसकी वजह से ये हमको बीमारी नहीं होती, क्योंकि जो डायरिया होता है, जो पेट हमारा ख़राब होता है, उसी के बैक्टीरिया के कारण होता है। अब बात करते हैं जीजो, हमको क्या होता है, क्यों है, जो पेट का ख़राब होना, दस्त होना, लूज मोशन होना, ये हमको होता क्यों है। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं अल्कोहल का इस्तेमाल करना, फूड एलर्जीज, बहुत लोगों को खाने पीने की एलर्जी भी होती है, या तो डायबिटीज़ के लिए हो सकता है, या इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, किसी को इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है, हाथों की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से ये होता है। जैसे कि बहुत से लोग एंटीबायोटिक के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये हो जाता है, या तो किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, जब हाइपर थायराइड होता है तो उसमें जो हमारे गले के नीचे होता है वो सूज भी जाता है, तो उसकी वजह से ये डायरिया होता है। हाथों में छाला पड़ जाना, जब हाथों में छाला होता है उसकी वजह से ये हो सकता है, या तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे पेट में, हमारी हाथों में अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हमको दस्त होता है, लूज मोशन होता है, या पेट ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। अब अजीज़ों, बात करते हैं प्रिवेंशन की, हम इससे कैसे बच सकते हैं। बहुत अहम टॉपिक है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, साफ़ सुथरा पानी पिएं, साफ़ सफाई का ख्याल रखें, अपने हाथों को अच्छी तरह धोते रहें, हाइजीन मेंटेन करके रखें, अच्छे से अच्छा मेडिकेशन लें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, या तो प्रोबायोटिक फूड खाएँ। प्रोबायोटिक फूड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि दही, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके पेट को मेंटेन करके रखते हैं। अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो आपके पेट को मेंटेन करके रखते हैं। जब पेट मेंटेन रहता है हमारा पेट, तो जो हमको डायरिया की प्रॉब्लम रहती है वो नहीं होती है। जैसे कि दही खाना, साफ़ सुथरा पानी पीना, बहुत सारे फ्रूट होते हैं जैसे कि स्पाइनिश फ्रूट, ग्रीन फ्रूट, या तो वेजिटेबल्स, सब्ज़ी, और जो आखिरी है सबसे इम्पॉर्टेंट, स्पाइसी फूड, ऐसी गिजाओं का इस्तेमाल करना जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला हो, वो मसालेदार हो, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए वी से वी केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।